तो हॉस्टल में रहने की प्रेरणा किसने दी आपको? सर हमारे बड़े भैया महेंद्र सिंह जी ने। महेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपको, और कैसा लग रहा है आपको हॉस्टल में आने के बाद में? हॉस्टल में आने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे गर्व हो रहा है कि हमारा समाज बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और खुशी है इस बात की कि जयपुर जैसे गुलाबी नगरी के अंदर आज राणा राजपूत समाज का एक हॉस्टल बना है और उसमें बहुत अच्छा आप लोगों को लग रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी समाज के बड़े लोगों को कि उन्होंने ऐसे जयपुर जैसी सिटी में ऐसा हमारा समाज का भवन बनाया है। अध्यक्ष साहब श्री रणजीत सिंह जी सोडाला साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समाज के रणजीत सिंह जी सोडाला जो हमारे अध्यक्ष साहब है उनका व अदर जितने भी हमारे समाज के गणमान्य है जितने भी है उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जो गुलाबी सिटी है वहाँ पर हमारे समाज का एक हॉस्टल बना है जहाँ पर मैं आया हूँ। मैं बाढ़ में बालूतरा सा रहने वाला हूँ, हिम्मत सिंह नाम है मेरा। रीट की वगैरह मैं तैयारी कर रहा हूँ। आज इतनी बड़ी सिटी के अंदर आज समाज का एक हॉस्टल है खुद के अंदर बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर सब सुविधा है, मेस की सुविधा है, अच्छा पढ़ाई का माहौल भी है, अच्छी रहने की सुविधा भी है। इसलिए मैं समाज के सभी बंदों से तहे दिल से स्वागत। रावणा राजपूत समाज का हॉस्टल जयपुर विद्यानगर के अंदर जहाँ पर काफ़ी बच्चे भी रह रहे हैं, आपने उन सबकी आवाज़ें सुनी और बहुत अच्छी सुविधा है और गर्व इस चीज़ का है कि रावणा राजपूत समाज का आज जयपुर गुलाबी नगरी के अंदर इतना बड़ा छात्रावास बना है जिसमें बहुत समाज के बड़े भमौसाओ ने सभी ने बहुत सहयोग किया और आज छात्रावास का बढ़िया तैयार हो चुका है। ये देखिए आप मेजर दलपत सिंह जी की मूर्ति जिन्होंने इसराइल देश को, हैपा देश को आज़ाद कराया था और रावणा राजपूत समाज के गौरव इनकी मूर्ति लगी हुई है बिल्कुल हॉस्टल के आगे और बड़ी खुशी की बात है साथियों और बहुत अच्छा बना है। आज हमें गर्व होता है कि हमारे समाज का हॉस्टल है जयपुर के अंदर। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान बिंद्र तले और भी इसमें बहुत समाज के बंधुओं ने सभी ने बहुत सहयोग किया, राजस्थान से लेकर पूरे राष्ट्रीय लेवल तक प्रदेश तक हर समाज बंधु का इसमें योगदान रहा तब जाके ये हॉस्टल तैयार हुआ। इसमें भी काम और भी चालू ही है, बाकी काफ़ी संख्या में समाज के बच्चे यहाँ रहने लग गए हैं। ये देखिए आप नज़ारा हॉस्टल का बहुत अच्छा बना है और बहुत खुशी होती है कि आज हमारे रावणा राजपूत समाज का हॉस्टल बन चुका है। ये देखिए आप बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला और समस्त जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, समस्त गांव ढाणी से लेकर प्रदेश तक के सभी भमौसाओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आज हमारा हॉस्टल तैयार हो चुका है। अभी पिछली 23 सितंबर को ही इसका उद्घाटन हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के आशय करवाया गया था जिसमें हमारे समाज के बड़े अधिकारी सब पधारे और इसका उद्घाटन करवाया। ये सभी गेट हैं हॉस्टल के, ये देखिए आप पूरा एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ। ये भी गेट है हॉस्टल का। अब आपको हम सभी गेट बता रहे हैं जितने भी हॉस्टल के आसपास में हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये रावणा राजपूत समाज का हॉस्टल बन चुका है जयपुर के अंदर, बहुत खुशी की बात है साथियों और मुझे बड़ा गर्व होता है कि आज हमारा रावणा राजपूत समाज का हॉस्टल बना जयपुर के अंदर जिसमें श्री मेजर दलपत सिंह जी शेखावत साहब एक बहुत ही शानदार मूर्ति बना के वहाँ लगाई गई है जो पूरे हिंदुस्तान के गौरव है, जिनकी त्रिमूर्ति दिल्ली के अंदर लगी हुई है जो भी हैपा चौक के नाम से पहचाना जाता है। और आपकी मूर्तियां भी काफ़ी पाली है, सिरोही भी है, काफ़ी जिलों में लगाई गई है जोधपुर। और जो भी बच्चे इस हॉस्टल में रहना चाहते हैं रावणा राजपूत समाज का वो तुरंत समाज प्रदेश महामंत्री जी संपर्क करें और हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था काफ़ी संख्या में तैयार हो चुकी रूमों के अंदर, बाकी भी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जल्दी संख्या में बच्चे और इस हॉस्टल में पढ़ेंगे, पढ़ भी सकते हैं, किसी चीज़ की भी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे भी कुछ बच्चे आर्मी की कर रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ाई की कर रहे हैं, अलग अलग सबकी
जो कोचिंग है उस हिसाब से तैयारी करेंगे। इसके रहने के अंदर व्यवस्था भी है। धन्यवाद। जय रावणा राजपूताना क्षत्रिय, जय अनूपदास जी महाराज की, जय श्री आनंद। ये सभी बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जो भी तैयारी है उस पर कर रहे हैं। अभी इतने रह रहे हैं वहाँ पर, और भी जल्दी रहेंगे।